बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर बाराबंकी की मसौली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की है। जी आपको बता दें कि अवध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देशन में द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर मामले का पर्दाफाश करते हुए जी एक बार फिर आपको रूबरू करा दें कि पूरी खबर बाराबंकी की बताई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि मसौली SHO विजेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस टीमों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से जहां पर 5 निर्मित अवैध तमाचा और 2 अर्ध निर्मित शास्त्र कारतूस, भारी मात्रा में शास्त्र बनाने का उपकरण आदि बरामद किया है। इससे पहले भी मसौली SHO विजेंद्र कुमार शर्मा ने नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार करने करोड़ों मार्फिन की रिकवरी की है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए जितेंद्र शुक्ला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए निरंतर अपराधियों पर कार्यवाही चल रही है। इसी क्रम में आज जनपद बाराबंकी की मसौली थाने की टीम को एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, विक्रम और बजरंग, जिसमें दोनों का आपराधिक इतिहास है। इनके पास से 5 निर्मित असलहे और 3 अर्धनिर्मित असलहे तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। क्या उद्देश्य क्या था इस फैक्ट्री का, कहाँ इस्तेमाल होता है ये लोग, जो जिस तरह की मांग इनके पास आती है उसी हिसाब से ये अपना सप्लाई करते हैं इन निर्मित कट्टे को, और उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है कहाँ इनके द्वारा सप्लाई किया गया है, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या इन असलों का इस्तेमाल चुनाव में दहशत फैलाने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही इनका सातिर किस्म के अपराधी हैं। एक का 13 अपराधिक इतिहास है बजरंग का, यह सजा याफ्ता भी है, और दूसरा विक्रम है, इसके 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और ये मसौली थाने के ST सीटर भी हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।